नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 4, ये पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पे बात करेंगे हैंड लेबर और स्टीम पावर से। देखिए शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन का एग्जांपल दिया, वो वेल्थॉर्न। वेल्थॉर्न एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, कोई उस समय पे इंग्लैंड के रूरल इलाकों में रहता होगा, नौकरी की तलाश में होगा। वैसे भी उस समय पे इंग्लैंड के रूरल इलाकों में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में इसने डिस्काइज किया है कि कैसे उस समय पे जो जॉब सीकर्स थे वो लंदन में नौकरियां ढूंढते थे। तो यहाँ पे वेल्थॉर्न बोल रहा है कि भाई ये लंदन जाना चाहता था नौकरी ढूंढने के लिए। अक्सर कर इसका एक पुराना साथी था जो कि लंदन में ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में काम करता था। इसके लेटर आते रहते होंगे वेल्थॉर्न के पास, तो वेल्थॉर्न लेटर पढ़ता होगा और उसने देखा होगा कि भाई ये वहाँ पे काम कर रहा है। तो फाइनली वेल्थॉर्न ने सोचा मैं भी काम करने जाऊँगा। नवंबर 1881 में इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया। देखिए पुरानी स्टोरी है, अगर आप कंटेक्चुअली इसको कनेक्ट करके सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नवंबर 1881 में इन्होंने सोचा होगा कि चलो लंदन चलते हैं। ये दो दोस्तों के साथ निकल पड़े। जर्नी काफ़ी खतरनाक थी, उस समय भी कोई टांगे या फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे नहीं। रेलवेज थी, बट हो सकता है कि जिन रास्तों से आ रहे हो उन रास्ते पर रेलवेज ना रही हो। तो काफ़ी दिन चल चल के किसी तरीके से धक्के खा खू के बिना खाना खाए, कुछ दिन तक तो लॉजिंग में रुके, खाना मिला, कुछ दिन खाना भी नहीं मिला, हर दिन 20 मील चलते थे, जैसे तैसे करके लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने के बाद भी इनको 2-3 दिन तक इनका दोस्त नहीं मिला, इनका पैसा खत्म हो चुका था। फाइनली जैसे तैसे करके ये ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुंचे और यहाँ पे इनको उनका दोस्त मिला। इनके दोस्त ने अपने सुपरवाइजर से बात की और इन लोगों को आराम से वहाँ पे नौकरी मिल गई। मतलब कि यहाँ पे एक कहानी है कि भाई रूरल इलाके से कुछ लोग निकले, लंदन पहुंचे और लंदन में उनको एक कॉन्टैक्ट के थ्रू नौकरी मिल गई। यहाँ पे सोसाइटल लिंक्स के थ्रू नौकरी मिलने की बात की जा रही है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो विक्टोरियन ब्रिटेन था, विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब क्या हो गया, क्वीन विक्टोरिया के समय का जो ब्रिटेन था, 1837 से लेकर 1901 तक क्वीन विक्टोरिया क्वीन थी। तो इनके समय पे इंग्लैंड में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे पीजेंट्स और गरीब लोग सिटीज की तलाश में आते थे नौकरी की तलाश में। ओके, बहुत भारी तादाद में नौकरी तलाश में आते थे। कुछ लोगों को तुरंत नौकरी मिल जाती थी, कुछ लोगों को काफ़ी ढूंढने के बाद नौकरी मिलती थी। प्रॉब्लम ये थी कि वेजेस कम थी और लेबर बहुत ज़्यादा था। देखिए वेजेस कब बढ़ती जब लेबर कम हो, तो लेबर नेगोशिएट कर सकता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने हमेशा लेबर खड़ा हुआ है भीड़ में कि हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। और इतना लेबर सस्ता मिल रहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि कहीं क्यों नई मशीनें लगाएं। जब लेबर इतना सस्ता मिल रहा है तो नई मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है, नई मशीन में खर्चा आएगा। ये पुराना लेबर मिल रहा है, सस्ता लेबर मिल रहा है, इसको लगा लो। तो इंग्लैंड में बहुत लंबे समय तक जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, ह्यूमन लेबर नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि ह्यूमन लेबर उनको काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th की बहुत सारी प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, बहुत सारी अभी प्रोसेस में धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन, मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको अपडेट करवा दूंगा मैं। तो आप देखोगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो लेबर की डिमांड्स थी वो सीजनल भी थी। उस समय की इंग्लैंड की एक और प्रॉब्लम, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग के समय और सोइंग के समय ही लेबर की डिमांड होती, बाकी समय पर लेबर की डिमांड नहीं होती रूरल इलाकों में। कुछ ऐसा इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में जो भी गैस से रिलेटेड काम था, ब्रिवरीज जहाँ पे दारू बनती थी, उससे रिलेटेड जो काम था वो कोल्ड मंथ्स में होता था, तो कोल्ड मंथ्स में लेबर की डिमांड होती थी। फिर बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स, क्रिसमस के समय पे बहुत सारी किताबें बिकती थी, तो उससे जस्ट पहले बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थी। फिर आप देखोगे विंटर का समय तब होता था जब शिप्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं कर रहे होते थे, तो बहुत सारे शिप्स जो दुनिया भर में घूम रहे होते थे इंग्लैंड के, वो विंटर के समय पर रिपेयर होते थे, तो उस रिपेयरिंग के समय पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो सीज़न के हिसाब से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता था, नहीं मिलता था। तो जब सीज़न ज़्यादा होता था एम्प्लॉयमेंट का, बहुत सारे लोग लंदन में पहुँच जाते थे काम करने के लिए, मैनचेस्टर, बड़े बड़े शहरों में पहुँच जाते थे, और जब काम वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता था तो वापस अपने गांव में लौट जाते थे। कुछ लोग वहीं पे रहते थे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। यहाँ पे आपको कुछ लोग अपने बच्चों के साथ खड़े मिल जाएंगे जो कि इन सर्च ऑफ वर्क लंदन में घूम रहे हैं। 1879 का ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है। और कुछ लोग तो ऐसा होते थे कि जब वो काम ढूंढने के लिए घूमते तो साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें भी वो बेचते रहते थे। जैसे कि ये कार्ड देख रहे हो दोस्तों, तो इस कार्ड के अंदर ही लोग रह रहे हैं, एसी को खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और इसी कार्ड के अंदर कुछ बना के वो बेच भी रहे हैं। तो इस प्रकार के एंटरप्राइजेस भी चलते थे। ओके, फिर उस समय पर इंग्लैंड की सोसाइटी में, ब्रिटिश सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी थे जो केवल हैंड लेबर से बनाए जा सकते थे।
मशीन्स का प्रयोग कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता था, जैसे कि अगर आर्मी की यूनिफॉर्म बनानी है या कुछ ऐसे गुड्स बनाने हैं जो कि बहुत मास लेवल पे खरीदे हैं, जैसे कि साबुन हो गया, ठीक है ना, जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ पहनने की चीज़ हो गई शरीर पे। ओके, अब देखिए ज़्यादातर जो डिमांड होती थी मार्केट में वो इंटीग्रेट डिज़ाइंस और स्पेसिफिक शेप्स पे होती। देखिए कपड़ा, अभी कपड़ा मिल का बना हुआ कपड़ा एक टी शर्ट की तरह बन सकता है, उसमें लिमिटेड डिज़ाइन हो सकती है। आज की डेट में लिवाइस जैसे ब्रांड्स उस समय पे काम नहीं करते थे, छोटे मोटे आप कह सकते हो गारमेंट इंडस्ट्री से कपड़े निकलते थे और डेली मर्रा के लिए आप पहन सकते हो। लेकिन अगर किसी की कपड़ों में स्पेसिफिक डिमांड है कि कपड़ों की जो कारीगरी है इस प्रकार से होनी चाहिए, साड़ी का फॉल ऐसा होना चाहिए, उसमें ये वाली डिज़ाइन होनी चाहिए, तो इस प्रकार के इंट्रिकेट डिज़ाइंस और स्पेसिफिक शेप्स की अगर आपको चीज़ें चाहिए तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज में पैदा नहीं हो सकती, वहाँ पे मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में 500 वैरायटीज ऑफ हैमर्स हथौड़े पैदा किए जाते थे और 45 तरीकों की कुल्हाड़ियाँ पैदा की जाती थी, और इनको बनाने के लिए ह्यूमन स्किल की ज़रूरत थी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक लिमिट तक ही यूज़फुल थी। फिर आप देखोगे कि विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लासेस थी, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, बुर्गेस थे, मतलब जो आप कह सकते हो एलीट एलिमेंट्स थे ब्रिटेन की सोसाइटी के, वो हैंडमेड चीज़ें पसंद करते थे, क्योंकि हैंडमेड चीज़ कहीं ना कहीं लग्जरी का प्रतीक होती है, रिफाइनमेंट का प्रतीक होती है, क्लास का प्रतीक होती है। एक प्लेन टी शर्ट पहनना और एक हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइन वाली टी शर्ट पहनना, तो हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइन वाली टी शर्ट, अरे ये तो 50 पाउंड की है, अरे वो तो आधे ही पाउंड की टी शर्ट पहन रहा है, तो इस प्रकार के जो क्लास स्टैंडर्ड्स थे उस समय की सोसाइटी में कहीं ना कहीं मेजर किए जाते थे। तो जो हाईफाई टाइप के लोग थे वो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें पहनते थे, तो कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे वो भी फल फूल रहे थे, समझ के। तो ये जो लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे, ये लोग जब अपने हाथ से चीज़ें बनाते थे तो वो हाथ से इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते थे चीज़ों को, केयरफुली डिज़ाइन करते थे, और इनको बेचा जाता था एलीट क्लासेस को। मशीन मेड गुड्स एलीट क्लासेस थोड़ा कमी खरीदते थे। फिर आप यहाँ पे देखोगे, अब वो कंट्रीज जहाँ पे मैकेनिकल पावर को इस्तेमाल किया गया, ऑब्वियस ही बात है वो कंट्रीज थी जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी। फॉर एग्जांपल अगर आप 19वीं शताब्दी के अमेरिका की बात करो, तो अमेरिका में लेबर नहीं था, तो चूंकि लेबर नहीं था तो मशीनों को आपको लेके आना ही पड़ेगा। बट ब्रिटेन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रिटेन में लेबर की कोई कमी नहीं थी। आपको मैंने पहले के चैप्टर्स में भी समझाया है कि ब्रिटेन से शिप भर भर के लेबर अमेरिका जा रहे थे काम की तलाश में, मतलब ब्रिटेन में देयर वाज नो व्हाटसोएवर आप कह सकते हो लैक ऑफ लेबर्स। यहाँ पे एक पेंटिंग है 1861 की, वर्कर्स इन एन आयरन वर्कर्स नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, ठीक है ना भाई। फिर आप देखोगे कि लेट 19th सेंचुरी में एक ट्रेंड देखने को मिला इन द आर्टिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने वर्कर्स को आइडलाइज करना शुरू किया, इन्होंने वर्कर्स की ऐसी पिक्चर्स बनानी शुरू की जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वर्कर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत में उनको कितना दर्द, कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है, मतलब वर्कर्स के काम को यहाँ पर आइडलाइज किया जाने लगा, और ये दिखाया जाने लगा कि इंग्लैंड जो इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है वो अपने वर्कर्स के दम पे प्रोग्रेस कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, हालांकि प्रोग्रेस का बेनिफिट्स तो देखिए कॉरपोरेट्स और उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया है और रूलिंग क्लास ने उठाया। फिर आगे बात की जाए द लाइफ ऑफ वर्कर्स, अब लेबर ज़्यादा था उसके चलते लेबर बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस तो देखिए अफेक्ट कर नहीं सकते, जिनसे उनकी जिंदगियों पे अफेक्ट पड़ता था। जैसे जैसे कंट्री साइड में ये न्यूज़ पहुंची कि भाई लंदन में नौकरियां मिल रही हैं, मैनचेस्टर में नौकरियां मिल गई हैं, बर्मिंघम में नौकरियां मिल रही हैं, तो लोग भागते भागते इन जगहों पर पहुंचे। जब हंड्रेड्स की तादाद में लोग इन जगहों पर पहुंचे तब इनको पता चला कि यार नौकरी मिलने के लिए कोई ना कोई लिंक चाहिए, तो आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में पहले से काम कर रहा हो और वो अगर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर दे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। जैसे कि विल्थॉर्न वाली कहानी में हमने देखा कि उसका दोस्त ऑलरेडी एक गैस कंपनी में काम कर रहा था, तो जैसे विल्थॉर्न उसके साथ ही पहुंचे सुपरवाइजर से बात करके उसने उसको नौकरी दिखा दी। मतलब नौकरी की अवेलेबिलिटी थी, बट नौकरी की अवेलेबिलिटी अगर आपके किसी फैक्ट्री में फ्रेंड काम कर रहा है तो उस बेसिस पर आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अब सबके पास इस प्रकार के सोशल कनेक्शंस नहीं थे, तो कुछ लोग जो जॉब की तलाश में पहुंचे शहरों में उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा, कई रातें उन्होंने ब्रिजेस के नीचे ठंडी नाइट्स में काटी। यहाँ पे एक बड़ी मार्मिक पेंटिंग है 1874 की, सैमुअल ल्यूक फ्लाइट्स की, हाउसलेस इन हंगरी। देखिए यहाँ पे औरतें बच्चों के साथ, एक आदमी यहाँ अपनी बच्ची को लेकर खड़ा हुआ है, किस प्रकार से लोग साइड में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो लंदन में ये जो भर भर के लोग पहुंच रहे थे, अब ऑब्वियस ही बात है अगर काम नहीं मिला तो उनके पास रुकने के लिए भी जगह नहीं है, तो कुछ शेल्टर्स बनाए गए थे यहाँ पे पुअर लॉ कमिश्नर्स के द्वारा, डेस्टिट्यूट के लिए, वेफेयरर्स के लिए, वॉन्डरर्स के लिए, फाउंडिंग के लिए। इन आप कह सकते हो
जो शेल्टर्स थे जो कि पुअर लॉ कमिश्नर्स के द्वारा बनाए गए थे, इन शेल्टर्स में भी हालात बहुत ख़राब थे। जो लोग इन शेल्टर्स में जाकर रहते थे बहुत ह्यूमिलेटिंग तरीके से इनको रखा जाता था। पहले इनकी बॉडी को टेस्ट किया जाता था, इनको नहलाया धुलाया जाता था, इनके क्लोथ्स को प्योरीफाई किया जाता था, तब इनको एंट्री करने दी जाती थी। कुल मिला के इनसे मेहनत भी करवाई जाती थी और इनको ह्यूमिनिटी भी कराया जाता था, उल्टा सीधा इनको सुनाया भी जाता था। इंसानों के जरा इनका ट्रीटमेंट नहीं था, समझ गए। फिर आप देखोगे कि कुछ नाइट रिफ्यूजेस भी बनाए गए थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, जहाँ पे ये लोग जाके रहते थे। कुछ कैजुअल वार्ड्स बनवाए गए थे पुअर लॉ अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ऐसा नहीं था कि अथॉरिटीज़ ने कुछ किया नहीं था, बट जो कुछ भी किया था वो इनफ नहीं था। और वहाँ पे जो रहने की कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, इंग्लैंड में जो कंडीशंस थी वो फिर भी उन कंडीशन से बहुत बेटर थी जो इंडिया में थी। इंडिया में तो बर्बाद ही कर दिया था लोगों को इन अंग्रेज़ों ने। इनके यहाँ पे चीज़ें फिर भी सुधरेंगी, इंडिया में तो चीज़ों को बर्बाद कर देंगे आगे। यहाँ पे एक स्पिनिंग जेनी दिखाई जा रही है, एक ड्राइंग 1835 की। यहाँ पे एक व्हील कितने सारे स्पिंडल्स को यहाँ पे घुमा रहा है ये आप देख पा रहे हो। और इससे पहले एक इमेज दिखाई थी जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक व्हील केवल एक स्पिंडल को घुमा रहा है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखा रहा है क्या ये स्पिनिंग जेनी। अब इस सीजनल वर्क के चलते हुआ क्या कि भाई लोगों को बहुत लंबे लंबे समय तक यहाँ पे काम नहीं मिला। जब बिजी सीजन ओवर हो जाता था लोग सड़कों पर आ जाते थे, बहुत सारे लोग अपने गांव लौट जाते थे और बहुत सारे लोग छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते रहते थे, बट वो मिलती नहीं थी। अब स्पिनिंग जेनी का क्या इफेक्ट आया उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अर्ली 19th सेंचुरी में एक समय आया जब थोड़ी बहुत जो लोगों की वेजेस थी वो बढ़ी, लेकिन वेजेस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो इन वर्कर्स का वेलफेयर था वो भी बढ़ा। आप समझिए कि वेजेस बढ़ना एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले थे। कभी कभी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया और साल दर साल बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लक्चुएशंस थे। फॉर एग्जांपल, जब नेपोलियनिक वॉर चल रहे थे और फ्रांस के ऊपर राज करने वाला नेपोलियन पूरे यूरोप में तरखाट मचा रहा था, उस समय पे क्या हुआ? उस समय पे ये हुआ कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बहुत सारे इलाके यूरोप के जहाँ पे प्रोडक्शन होता था और इंग्लैंड के मार्केट से बिकता था, उसके ऊपर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। तो चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी थी मार्केट में वो कम हो गई, तो चीज़ों के दाम बढ़ गए। अब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और चीज़ें सब लोग खरीद रहे हैं। उस समय पे मान लीजिए एक बेसिक चीज़ जो 5 रुपए की मिलती थी वो मान लो 8 रुपए की मिलने लगी और वर्कर्स की सैलरी 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गई, तो क्या वर्कर का यहाँ पे वेलफेयर हुआ? ऑब्वियसली बात नहीं हुआ। चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उस प्रपोर्शन में वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन के प्रपोर्शन में अगर वर्कर की वेज नहीं बढ़ रही है तो आप उसको रियल में वर्कर का वेलफेयर नहीं बोल सकते हो। इसीलिए बीच में कुछ हिस्टोरियंस जो कि ये ट्रेंड बताते हैं कि वेजेस बढ़े थे वर्कर्स के, इससे उनकी वेलफेयर बढ़े, ये सही नहीं है, समझ गए ना। तो चीज़ों को बहुत कॉन्टेक्चुअली यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ये भी बताया जा रहा है। इतना हालांकि हमको घुसने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस यहाँ पे वर्कर्स के रिस्पेक्ट में एक और बात को समझने की ज़रूरत है, वो है पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक साल में कितने डेज ऑफ वर्क मिला यहाँ पे वर्कर को करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मिड 19th सेंचुरी में जो सबसे बेस्ट टाइम आया उस समय पे भी ये देखा गया कि 10% अर्बन पॉपुलेशन बहुत एक्सट्रीम गरीब थी। और 1930s के समय पे जब इकोनॉमिक स्लंप आया था तब 35-75% आबादी इंग्लैंड की अनएम्प्लॉयड थी अलग अलग रीजन्स में। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली। अब बात करते हैं स्पिनिंग जेनी की। स्पिनिंग जेनी एक ऐसा डिवाइस है जिसका ऊपर हमने फोटो देखा। इसको बनाया किसने था? जेम्स हारग्रीव्स ने इसको बनाया था 1764 में। यह स्पिनिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, लेबर की डिमांड को कम कर देता है और एक सिंगल व्हील से बहुत सारे स्पिंडल्स यहाँ पे मोशन में आ जाते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स को यहाँ पे स्पिन किया जा सकता है। ओवरऑल कपड़े के प्रोडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पे बहुत तेज किया जा सकता है। अब स्पिनिंग का काम इंग्लैंड में ज़्यादातर लेडीज़ करती थी। जैसे ही ये स्पिनिंग जेनी को बनाया गया, इन्वेंट किया गया, जो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो यहाँ पे वर्कर्स के बीच में फैल गया और स्पिनिंग जेनी के प्रति जो वर्कर्स थे, खासकर जो लेडीज थी उस समय की इंग्लैंड में काम करने वाली, वो इसके प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। और वुमेंस ने तो यहाँ पे बहुत सारी नई मशीन्स पे अटैक भी करना शुरू कर दिया, उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इसका एक बड़ा अच्छा ही एग्जाम्पल यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया। देखिए, एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में क्या रिपोर्ट किया, एक इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट किया जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर की प्रॉपर्टी पर अटैक किया गया था वर्कर्स के द्वारा। तो लॉ लेस बैंडिटी ऑफ कॉलियर्स यहाँ पे आए, तो मतलब आदमी और वाइफ दोनों आई और दोनों आके कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में ये जो स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन थी इसको तोड़ने की कोशिश करनी थी। वुमेन्स चिल्ला रही थी, मैन इसके बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे थे, एक्सपोस्टुलेट कर रहे थे और बहुत ही
कन्विंस करने के बाद ही उनको वापस भेजा गया। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिश सोसाइटी में, खासकर वुमेन्स के बीच में, जो कि स्पिनिंग का काम प्रोमिनेंटली करती थी, इस स्पिनिंग जेनी मशीन के लिए बहुत ज़्यादा घृणा उठ के आ गई। फिर उस समय की सोसाइटी में, खासकर 1840s के बाद, एक और ऐसा आप कह सकते हो कि पैरामीटर आया जिसके थ्रू नौकरियां बहुत जनरेट हुई, और वो है बिल्डिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्टिविटी। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्टिविटीज आई। तो रोड्स को चौड़ा करना, नए रेलवे स्टेशन को बनवाना, रेलवे लाइन्स को एक्सटेंड करना, नए नए टनल्स खोदना, ड्रेनेज और सीवर्स खोजना, रिवर्स को एम्बैंक करना, इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप कह सकते हो कि रिक्रूटमेंट किया गया। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं वो डबल हो गए 1840s में, अगले 30 सालों में वो फिर से डबल हो गए। रीज़न भी कि पूरे इंग्लैंड में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, अभी रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। यहाँ पे लंदन की फोटो है, सेंट्रल लंदन की एक शैलो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई जा रही है। तो 1850s में आप देखोगे कि पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनाए जाने लगे, उसके चलते बहुत मैसिव बेसिस पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत पड़ी और बहुत सारे जॉब स्पीकर्स गांव के इलाके छोड़ के इंग्लैंड पहुंच गए। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था ये हमने देखा, इंडिया में क्या हो रहा है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे एक कॉलोनी को यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज किया जाता है। ओके, बात करते हैं द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स की। मशीन इंडस्ट्रीज आने से पहले जो इंडिया के सिल्क और कॉटन गुड्स थे वो पूरी दुनिया में डोमिनेट करते थे, जो इंटरनेशनल मार्केट था टेक्सटाइल्स का उसको इंडिया डोमिनेट करता था। ओके, बहुत सी दुनिया में कोर्सर कॉटन्स मतलब कि आप कह सकते हो कॉटन की उतनी अच्छी वैरायटी ना होना, इनको बहुत सारी कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता था। मतलब कॉटन्स की थोड़ा कम अच्छी वैरायटी को बहुत सारी कंट्रीज में प्रमोट किया जाता था, पैदा किया जाता था, बट इंडिया में फाइनर वैराइटीज ऑफ कॉटन प्रोड्यूस होता था, फाइनर वैराइटीज ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस होते थे। कॉटन से जो बिल्कुल रिफाइंड तरीके कपड़े बन सकते थे वो इंडिया में बनाए जाते थे, और आर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट्स इंडिया से वो कपड़े खरीद के, पंजाब से वो कपड़े खरीद के ईस्टर्न अफगानिस्तान ले जाते थे, ईस्टर्न पर्शिया ले जाते थे, सेंट्रल एशिया ले जाते थे, और उसके थ्रू फाइनली वो यूरोप भी पहुँचते थे। घोड़ों और ऊँटों के बैक पे आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, जो हमारा सहारा डिजर्ट है, वहाँ से पास होना, अफ्रीका के डिजर्ट से पास होना, माउंटेन पासेस से, डेजर्ट से हमारा ये जो कपड़े थे इसका ट्रेड पास होके जैसे तैसे यूरोप, रशिया, इन कंट्रीज में पहुंचता था। पर उस समय पे एक वाइब्रेंट सी ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था हमारे प्री कॉलोनियल पोर्ट्स के थ्रू। तो गुजरात पोस्ट पे ये जो सूरत का पोस्ट है वो इंडिया को गल्फ और रेड सी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करता था, ठीक है ना। जो मसूलीपट्टनम नाम का पोर्ट है कोरोमंडल पोस्ट पे, और जो बंगाल में हुगली नाम का पोर्ट है, ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से कनेक्ट करता था इंडिया को। फिर आप देखोगे इंडिया के बहुत सारे मर्चेंट्स और बैंकर्स भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। प्रोडक्शन को फाइनेंस करना, गुड्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, देश के अंदर एक्सपोर्टर्स को सामान प्रोवाइड करना, ये सब काम इंडियन मर्चेंट्स इन्वॉल्व हुए। समझिए बात को, यहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स ने अपने नेटवर्क को अपनी अपनी काबिलियत के दम पर फैलाया। जिनके अंदर ज़्यादा काबिलियत थी वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हुए, जिनके अंदर थोड़े कम काबिलियत थी वो सप्लाई मर्चेंट्स बन गए। सप्लाई मर्चेंट्स का मतलब है कि भाई इंडिया के इंटीरियर इलाकों से गुड्स को उठाना और उनको पोर्ट इलाके तक पहुंचाना, और पोर्ट के इलाकों पे जो इंटरनेशनल मर्चेंट्स है वो सामान खरीद लेंगे और फिर उसको जाके दुनिया के मार्केट्स में बेचेंगे। इससे हुआ ये कि हमारे गांव में जो कपड़ा वीव किया जाता था वो वीवर्स ने कपड़ा सप्लाई मर्चेंट्स को बेचा, सप्लाई मर्चेंट्स ने पोर्ट्स पे जाके कपड़ा इंटरनेशनल मर्चेंट्स को भेजा और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गया। समझ गए बात को। पोर्ट पे जो बड़े बड़े शिपर्स होते थे वो सप्लाई मर्चेंट्स के साथ बैठ के बातचीत करते थे, एक प्राइस को निगोशिएट करते थे, और फाइनली सप्लाई मर्चेंट्स जो कपड़ा इनलैंड से लेके आते थे वो फिर फाइनली पूरी दुनिया में बांट दिया जाता था। 1750s तक ये नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चला, सप्लाई मर्चेंट का और इंटरनेशनल मर्चेंट का। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मेथडोलॉजी थी वो टूटने लगी, चूंकि अब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में डोमिनेट कर रही थी। 1750 का जो टाइम है आप समझ सकते हैं ये बहुत एक्टिव टाइम है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, और उस समय तक अच्छा खासा ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव हो चुकी थी इंडिया में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में मैं नंबर्स को बोला करूँ। तो आप देखोगे धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स अपनी ताकत इंडिया में बढ़ा रही थी। पहले इन्होंने जो देश के राजा के लोकल कोर्ट्स थे वहाँ से कुछ कंसेशंस लिए, ट्रेडिंग के मोनोपोली राइट्स लिए, कुछ पैसा दे। फिर इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी सेटअप करना शुरू किया, और जब इनकी ट्रेडिंग कंपनी सेटअप करनी शुरू करें होंगी तो ये
जो यूरोपियन कंपनीज थी वो अपनी पॉलिटिकल क्लाउड के थ्रू पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स को बर्बाद कर देंगे और नए ट्रेडिंग सेंटर्स फूलेंगे। तो जो ओल्ड पोर्ट्स थे सूरत और हुगली के, वो धीरे धीरे काम करने बंद करने लगे। इनसे जो एक्सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और जो सेंटर्स यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज खोल रही थी वो आगे बढ़ने लगेंगे। तो कलकत्ता का पोर्ट एकदम से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मुंबई का पोर्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और पुराने पोर्ट्स कहीं ना कहीं कम यूजफुल हो जाएंगे। आप देखोगे जो लोकल बैंकर्स पहले ऑपरेट करते थे वो भी यहाँ पे बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। सूरत की अगर बात की जाए तो 17वीं सेंचुरी के आखिरी सालों में सालाना सूरत से जो ट्रेड पास होता था वो 16 मिलियन रुपीस का पास होता था। 1740s तक आते आते सालाना इसकी वैल्यू केवल 3 मिलियन बची। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से इन पोर्ट टाउन्स की इंपॉर्टेंस को ब्रिटिश कंपनी ने, कॉलोनियल कंपनीज ने नीचे गिरा दिया। यहाँ पे और भी यूरोपियन कंपनीज इन्वॉल्व थी। ये एक सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री है, 17वीं सेंचुरी की ये ड्राइंग है। फिर आप देखिए सूरत और हुगली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स नहीं रहे, तो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पे बन बन के कौन से उधरे, तो बॉम्बे और कलकत्ता इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन के यहाँ पे उभरे। और ये इंडिकेटर था इस बात का कि कॉलोनियल पावर इंडिया में बढ़ रही थी। और इन नए ट्रेडिंग पोर्ट्स को कंट्रोल कौन कर रहा था, यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल कर रही थी। पुराने ट्रेडिंग हाउसेस बर्बाद हो रहे थे, नए ट्रेडिंग हाउसेस यूरोपियन कंपनीज के फॉर्म में आ रहे थे। और अगर इंडिया के किसी ट्रेडिंग हाउस को इस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है तो अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे वीवर्स को क्या हुआ, वो सच में कपड़े को जो पैदा करने का प्रोसेस था वो कौन कर रहे थे, वीवर्स कर रहे थे। शुरुआत में जब 1760s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंसोलिडेशन किया अपनी पॉलिटिकल पावर का इंडिया में, एकदम से इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं गिरे, क्योंकि 1760s में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था कि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा अपनी टेक्सटाइल मिल से पैदा कर रहे हो। समझिए बात को, ब्रिटेन की कॉटन इंडस्ट्री अभी इतनी एक्सपेंड नहीं हुई थी 1760s में। तो 1760s में इंडिया पे पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इंडिया के टेक्सटाइल्स को देश के बाहर एक्सपोर्ट ही कर रही थी। आप समझिए जब बंगाल में पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश की इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760s में, जब कर्नाटक में की 1770s में, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रॉब्लम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगा कि भाई इन वीवर्स से कपड़ा खरीदना है और उसको यूरोप में भेजना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप समझिए पहले बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व थे, फ्रेंच इन्वॉल्व थे, डच इन्वॉल्व थे, पोर्तुगीज इन्वॉल्व थे, ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे। तो जो लोकल ट्रेडर्स थे उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती थी कि हम अपना कपड़ा किसको बेचना चाहें, जो अच्छे दाम देगा हम अपना कपड़ा उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे वीवर्स के पास चॉइसेस थी, सप्लाई मर्चेंट्स के पास चॉइसेस थी, ये बार्गेनिंग कर सकते थे। इंग्लैंड में जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इंडिया में काम करते थे, तो शुरुआत में जब तक इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, ये हमेशा यही शिकायत करते थे अपने लेटरों में कि भाई हमें बहुत ज़्यादा दाम पे इंडिया में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और हम आपको जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दामों में बेच पा रहे हैं, इससे हमारा कहते हैं ना कि प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बहुत कम हो रहा है। कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, और एक ट्रेडिंग कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट बेनिफिट कमाना। तो भाई जिस रेट पे वो पर्टिकुलर आइटम ईस्ट इंडिया कंपनी वीवर से खरीद रही थी और जिस रेट पे वो बिक रहा था लंदन के अंदर, जितना ज़्यादा फर्क होगा उतना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट होगा। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ली तब इन्होंने मोनोपोली को स्थापित करना शुरू किया। फ्रेंच, पुर्तगीज, डच सबसे पहले इन ईस्ट इंडिया कंपनीज को भगाया, इनके ट्रेडर्स को भगाया। अब जब बाकी कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं है वहां पे सप्लाई मर्चेंट्स के पास और वीवर्स के पास सामान बेचने के लिए, तो बेचने के लिए कौन बचा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बची। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली आ गई राइट टू ट्रेड में। इन्होंने एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को डेवलप किया जिसके चलते कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करना, कॉस्ट को कम करना और रेगुलर सप्लाईज को एंश्योर करना। तो अच्छे कॉटन और सिल्क के गुड्स अपने मुंह मांगे दाम पे ये अंग्रेज हमारे वीवर्स से खरीदते थे और हमारे वीवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। रीजन बीइंग कि फ्रेंच, डच और जो बाकी प्रकार की ट्रेडिंग कंपनीज थी इनको बहुत हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी एलिमिनेट कर चुकी थी। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे वीवर्स के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं? कुछ ऑप्शंस थे, कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की चेन को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर के ऊपर एक डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की और इस डायरेक्ट कंट्रोल को स्थापित करने के लिए एक पेड सर्वेंट अपॉइंट किया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसका नाम था गोमस्त। गोमस्त का काम क्या था, वीवर्स को रिक्रूट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनकी सप्लाईज को कलेक्ट करना, उनके
क्लॉथ की क्वालिटी को कहीं ना कहीं एसेस करना और एट द सेम टाइम इन वीवर्स के ऊपर कंट्रोल रखना कंपनी का, ये वीवर्स किसी और को सामान ना बेच पाए, इस चीज को इंश्योर करना काम था गोमस्त का। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये वीवर्स किसके साथ ट्रेड करेंगे, किसके साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इस चीज को तोड़ने की कोशिश की, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप कह सकते हो कि लालच फेंका इन वीवर्स की तरफ, इन वीवर्स को पैसा उधार देना शुरू किया कि ये तुम पैसा पकड़ो, तुम वीव करो और सामान हमको बेचो। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि वीवर्स को पैसा दे दिया, अब वीवर्स बाउंड हो गए कि जिससे पैसा लिया है जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसी को बेचेंगे। धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये वीवर्स इंग्लैंड के ऊपर और इंग्लैंड के ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड होते चले गए। तो एक नॉर्म सा बन गया कि ये वीवर्स पहले लोन्स लेंगे, उस लोन से जो भी पैदावार करेंगे उस पैदावार को वो गोमस्त के थ्रू किसको भेज देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर को भेज देंगे। और एट द सेम टाइम जो बाकी ट्रेडर्स उस समय पे इंडियन मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे थे, इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सेग्रीगेट करके इंडियन मार्केट से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी। तो इस पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से जो वीविंग कम्युनिटी थी उसके सारे रिसोर्सेज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे लगा दिया, सारा का सारा कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, पूरी की पूरी फैमिली को उस वीविंग के जॉब में लगा दिया। और एंड में जब ये सामान खरीदते थे वीवर्स से, तो वीवर्स को जितना दाम दिया जाता था उसमें निगोशिएट करने की कोई भी स्कोप बचता नहीं था। और बाद में तो ये भी देखा गया कि वीवर्स और गोमस्त के बीच में काफ़ी लड़ाई भी होती थी। पहले क्या होता था कि जो गोमस्त होते थे, जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे, वो वीविंग विलेज में ही रहते थे। गोमस्त कौन है? एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसको वीवर्स को रिक्रूट करना है, वीवर्स जो भी पैदावार कर रहे हैं उसको लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। तो पहले तो गोमस्त इनके गांव के हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता था भाई, सुबह उठना था, बैठना था, सब कुछ ठीक था। अब ये गोमस्त बाहर के लोग थे, अब ये गोमस्त सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अपने लिए काम कर रहे थे। तो इन्होंने वीवर्स को मारना पीटना शुरू किया, वीवर्स के ऊपर जोर जबरदस्ती करनी शुरू की, वीवर्स के साथ किसी भी इमोशनल सेंटीमेंट को हटा के सिर्फ प्रॉफिट सेंटीमेंट को देखना शुरू हुआ। और फिर ये देखा गया कि जो गोमस्त थे ये अत्याचार करने लगे वीवर्स के ऊपर, वीवर्स को खुलेआम मारना, कोड़ों से, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे होने लगी, पुलिस जैसा बर्ताव करने लगे। और जो भी पुलिस और अथॉरिटीज थी वो इन गोमस्त का ही सपोर्ट करती थी, क्योंकि एट द सेम टाइम इन गोमस्तों को पीछे से ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट था। तो यहाँ पे आप देखो कि वीवर्स की ऑर्गेनाइज तरीके से जो बार्गेनिंग ताकत थी वो खत्म हो गई, और कंपनी जो भी इनके कपड़ों के लिए पैसा दे रही थी वो बहुत कम पैसा दे रही थी। इसके चलते यहाँ पे वीवर्स को समझ में आने लगा कि ये कंपनी तो भाई इनको कुछ पैसा दे ही नहीं रही, तो कई लोगों ने तो वीविंग के प्रोसेस को छोड़ ही दिया। कर्नाटक और बंगाल के तो बहुत सारे विलेजेस से वीवर्स छोड़ के ये भाग गए, ओके, किसी और गांव में चले गए जहां पे उनके फैमिली रिलेशंस हैं। कुछ गांव में तो वीवर्स ने रिवॉल्ट कर दिया कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत हद तक होने लगी, बहुत सारी वीविंग वर्कशॉप्स बंद हो गई, बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबर्स बन गए, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगी। चूंकि जब इनकी कमाई बंद हो गई तो उन्होंने बोला कि फिर इस धंधे में रह के फायदा ही क्या है। और उसके बाद एक एक्टिविटी हुई, वो है कि भाई मैनचेस्टर आ गया इंडिया। मैनचेस्टर इंडिया कैसे आ गया? 1772 में हेनरी पेटुलो एक कंपनी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडियन टेक्सटाइल इतनी फाइन क्वालिटी का है कि इसकी डिमांड तो कभी बंद हो ही नहीं सकती, लेकिन बंद होगी। आप देखिए दोस्तों, 1811-12 में जो भी पीस गुड्स थे, पीस गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लेंथ का, एक पर्टिकुलर डायमेंशन के फैब्रिक को आप पीस गुड्स बोलते हो, मतलब बेसिकली कपड़े का एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ओवरऑल 1811-1812 में इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसमें पीस गुड्स यानी फैब्रिक होते थे 33%। 1850-51 आते आते इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में फैब्रिक का एक्सपोर्ट रह गया केवल 3%। मतलब कुल मिला के इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ इस प्रकार से तोड़ा इन अंग्रेजों ने कि हमारे यहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होने ही बंद हो गया। अब ये कैसे हुआ? देखिए, जैसा कि आपको बताया, इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। 1850-51 आते आते इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री बहुत हद तक डेवलप होने लगी थी, और अब इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे जो कि इस कॉटन को बना रहे थे, जो कपड़े को बना रहे थे, जो टेक्सटाइल बना रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई बाहर के देशों से ये जो टेक्सटाइल आके इंग्लैंड में बिक रहा है इसको बंद करवाओ, हम जो टेक्सटाइल बना रहे हैं हमारी देश की जनता वही टेक्सटाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इंडिया, इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर डाला कि बाहर से आने वाले कॉटन टेक्सटाइल्स के ऊपर आप हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाइए। इंडिया से आने वाले कपड़ों के ऊपर 300-400% ड्यूटी लगने लगी। तो पहले जो कपड़ा अगर 10 पाउंड का मिलता था तो आप समझ लीजिए 50 पाउंड 100 पाउंड का मार्केट में बिकने लगा,
जो इंडियन कपड़ा खरीदेगा उसके ऊपर इतना फाइन लगाया जाएगा, उसको इतने साल की जेल होगी। इस प्रकार के नियम कानून जब इंग्लैंड के अंदर लाए गए तो इंग्लैंड के अंदर इंडियन कपड़े आने ही बंद हो गए। ब्रिटेन ने अपनी डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाहर के कॉम्पिटिशन से बिल्कुल शील्ड कर दिया। एट द सेम टाइम इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम एक काम करो, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की इसको तोड़ दो और हम जो कपड़ा यहाँ पे मैनचेस्टर में अपनी मिलों में बना रहे हैं इसको इंडियन मार्केट में बेचो। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में करना शुरू किया। इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इसको तोड़ दिया। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, आर्टिसंस को इतना परेशान किया कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना छोड़ के किसान बनना पसंद किया। ओके, और आप देखोगे 1850 में कॉटन पीस गुड यानी कॉटन के फैब्रिक ओवरऑल इंडियन इंपोर्ट्स के 31% थे और 1870 आते आते 50% बन गए। मतलब 1870s में अगर 100 रुपए की चीज इंडिया में इंपोर्ट हो रही है तो 50 रुपए के तो कॉटन फैब्रिक्स हैं, जो कि 1850 में 31% थे और उससे पहले तो और कम थे, क्योंकि उस समय तक तो हम लोग कॉटन के एक्सपोर्टर थे बहुत बड़े और हमको कॉटन के इंपोर्टर में, कॉटन फैब्रिक्स के इंपोर्टर में बदल दिया इन अंग्रेजों ने। इतने तो ये अंग्रेज शाणे थे। और फिर यहाँ पे कॉटन वीवर्स ऑलमोस्ट बर्बाद से हो गए। कॉटन वीवर्स के पास दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे साइमल्टेनियसली आ गई। पहली बात तो जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट था वो कलैप्स हो गया, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाई गई तो इंग्लैंड मार्केट में वो बिक नहीं पाए और मैनचेस्टर के सस्ते सस्ते इंपोर्ट्स इंडिया में पहुंचने लगे। तो ये जो मैनचेस्टर के कपड़े थे ये इतने सस्ते बिक रहे थे कि जो हैंडमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाई। और 1860 तक आते आते यहाँ पे इंडिया में वीवर्स के पास एक और प्रॉब्लम हो गई, इनको रॉ कॉटन भी मिलना बंद हो गया। अब रॉ कॉटन क्यों मिलना बंद हो गया? अमेरिका में हुआ ये कि सिविल वॉर छिड़ गया, अमेरिका और इंग्लैंड के रिश्ते हो गए थे बहुत ज़्यादा ख़राब, तो यूएस से जो कॉटन पहले इंग्लैंड जाता था वो कॉटन जाना बंद हो गया। अभी रॉ कॉटन तो इंग्लैंड को चाहिए क्योंकि वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो इंडिया में जो रॉ कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था वो एक्सपोर्ट होकर कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन में जाने लगा। अब इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला रॉ कॉटन अगर ब्रिटेन जाने लगेगा तो इंडिया में रॉ कॉटन की कमी हो जाएगी और जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि तीन प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में आ रही है और इन तीन प्रॉब्लम्स को हमारा टेक्सटाइल सेक्टर नहीं झेल पाया। पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक्सपोर्ट मार्केट कम हो गया, इंग्लैंड के अंदर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग गई। दूसरा, मैनचेस्टर में बने हुए सस्ते कपड़े भर भर के इंडियन मार्केट में आने लगे तो इंडिया में बने हुए कपड़े नॉन कॉम्पिटिटिव हो गए। और तीसरा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास रॉ कॉटन की कमी हो गई, चूंकि ज़्यादातर रॉ कॉटन इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक्सपोर्ट हो रहा था तो इंडिया के वीवर्स के लिए यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा था। तो कुल मिला के ऑर्गेनाइज तरीके से इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे अंग्रेजों ने हमारी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तोड़ के रख दिया। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि हमारी वीविंग इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बची रहेगी, हालांकि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बची हुई होगी, बट वो कैसे बचेगी इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बॉम्बे हार्बर की एक फोटो है। बॉम्बे और कलकत्ता ट्रेडिंग पोर्ट्स की तरह उठे हैं 1780s में। आज की डेट में आप देख सकते हो कि बॉम्बे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं, हालांकि अब गुजरात जैसे सेंटर्स बहुत टक्कर देते हैं, बट बॉम्बे और कलकत्ता ट्रेडिशनल सेंटर्स रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट के। यहाँ पे देखिए कमिश्नर ऑफ पटना लिख रहे हैं कि भाई 20 साल पहले ये जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इंडिया का ब्रिस्क ट्रेड फॉर्म करता था जहानाबाद में बिहार में, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है क्योंकि मैनचेस्टर के बने हुए सस्ते कपड़ों के साथ जो लोकल इंडिया के प्रोड्यूस हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कमिश्नर ऑफ पटना ने लिखा था। फिर कुछ ऐसी बातें कोश्ती कम्युनिटी के बारे में लिख रखी हैं। सेंसस रिपोर्टर सेंट्रल प्रोविंसेस ने क्या बोला है, ये जो कोश्तीज हैं ये फाइनल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स को बनाते हैं, वीवर्स हैं, लेकिन अब इनकी हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि मैनचेस्टर से आए हुए कपड़े से ये पर्टिकुलर कोश्ती कम्युनिटी के लोग कपड़ा बना के कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने कपड़ा बनाने का काम छोड़ के ये डेली वेज लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा के अपने घर और बीवी बच्चों का पेट पाल सके। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगले चैप्टर में कैसे फैक्ट्रीज का इनकमिंग हुआ इंडिया में, किस प्रकार से इंडिया में फैक्ट्री सेटअप की गई, क्या इंग्लिश बिजनेसमैन के साथ इंडियन बिजनेसेस भी थे यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने में, तो इन फैक्टर्स को हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ चैप्टर में सीखने को मिला हो। गुड बाय।